नरही थाना क्षेत्र के सुहाव गांव के सामने गंगा के छाड़न में मिला किशोर का शव, जो कि शव से खून भी निकलता देखा गया। खेतों की रखवाली कर रहे किसानों ने दी पुलिस को सूचना। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। जांच में जुटी नरही पुलिस, आखिर ये अज्ञात शव किसका है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गंगा किनारे सब्जियों की खेती किया जाता है, ऐसे में ठंडी के समय में लोग 3 दिनों से घर से नहीं खेतों पर जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग खेतों की तरफ टहलने के लिए जा रहे थे, तभी रेत में घुटने भर पानी में लगा एक शव को देखे। तभी वहां पर कुछ और भी लोग आए तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि ये यूपी में नहीं गंगा आती है, इसका हिस्सा बिहार में आता है। वहीं यूपी पुलिस मौके पर आकर शव को देख और पता लगाने की कोशिश में लगी कि आखिर ये सब किसका है और ये हत्या कर यहाँ फेंका गया है या कहीं और से हत्या कर यहाँ फेंका गया है। अब यह देखना होगा कि यूपी पुलिस अज्ञात का शव का मामला क्या है, अब ये कैसे फिलहाल पता लगाती है, अभी तक जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। ममसाद अहमद की रिपोर्ट, यूपी बलिया से। मेरा नाम रंजीत प्रजापति है। ये बताइए कि अभी यहाँ पर जैसे कि लाश है, यहाँ पर आप लोग बगल के ही गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही सुहाव के गांव के रहने वाले, यहीं पे सब खेती होती की है। हम आए तो देखे यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, तो फिर हम अपने प्रशासन को फोन किए तो यूपी पुलिस आई है। और अभी ये पड़ता है तो ऐसे बक्सर जिला में, ये यूपी में नहीं आता है, तो अभी बिहार पुलिस का तो कोई आता पता नहीं है। बिहार पुलिस अभी आई नहीं? नहीं नहीं, अभी बिहार पुलिस नहीं आई, यूपी पुलिस आई थी अपना देखो के, और बिहार का पता होता कि सब चली गए। बिहार पुलिस आएगी तब तो कोई कुछ होगा ना। जी तो ये कि अभी गंगा जी के यहाँ है मौजूद, क्या यहाँ गंगा जी के सिरे में लाश भी आ, लाश मैंने लाश भी आ पानी में। बस यहाँ पर मतलब कितने वर्ष का वो लगभग होगा जना? तो 10-12 बरिस। कोई आया था प्रशासन में यहाँ पे? सिपाही लोग आए लोग। तो बक्सर के पुलिस यहाँ पर नहीं खेलाए? बक्सर वाले अभी नहीं खेलाए?